रिजल्ट की बात बताएं तो आप अपने चेहरे पे यूज़ कीजिएगा बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपके सामने होते हैं जैसे आप रिमूव करोगे ना पैक को तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है एकदम साफ हो जाती है क्लीन हो जाती है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप सब भी अच्छे होंगे अगर गर्मियों के मौसम में आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो गई है कालापन आपकी स्किन पे जम गया है हानिकारक सूरज की किरणों की वजह से धूल मिट्टी की वजह से तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं इस रेमेडी को दो तरह से आपको इस्तेमाल करना भी बताऊंगी और दोनों ही तरीके आप फॉलो कर सकते हैं रात को सोने से पहले आपको ये ट्रीटमेंट करना है एंड ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपके सामने होंगे आपकी स्किन इंस्टेंटली जो ग्लो और निखार आप अपनी स्किन पे देखना चाहते हो ना वो मिलेगा तो कैसे तैयार करना है चलिए पहले तो जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले तो हम लेंगे एक पका हुआ टमाटर अच्छा खासा पका हुआ अगर आप लेते हो तो पल्प निकालना ईजी हो जाता है इस टमाटर को हम कट कर लेंगे दो पीसीस में और फिर किसी भी ग्रेटर की मदद से आपको इस तरह से इसे ग्रेट कर लेना है इसका जो जूस है जो रस है वो हमें चाहिए होगा रेमेडी हम दो तरह से बनाएंगे एक में हम जेल सीरम भी आप बोल सकते हो तो वो तैयार करेंगे और दूसरा फेस पैक तो अभी हम तैयार कर रहे हैं सीरम तो टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया और सेम इसी में ही एक मैंने छोटा सा पीस लिया है खीरे का खीरे में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कभी अगर हमारा हाथ जल जाए कहीं पे जल जाए तो उस पर झट से खीरा या फिर आलू का रस लगा देते हैं आलू कुछ एक लोगों को सूट नहीं करता तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया अगर आपको सूट करे तो आप आलू भी ले सकते हैं तीनों ही चीज़ें हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं अब आपको क्या करना है कि दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा करके इसका रस हमें निकालना है बस हमें खाली रस ही चाहिए पल्प नहीं चाहिए तो इसलिए आपको छलनी की हेल्प से इसे अच्छे से छान लेना है अब आपको जल बनाने के लिए क्या करना है लगभग दो चम्मच के करीब आपको यहाँ पे ये जूस लेना है खीरे और टमाटर का और अब इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई e के कैप्सूल आपको इसमें दो विटामिन ई e के कैप्सूल ऐड करने हैं ये जो विटामिन ई e के कैप्सूल हैं नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको बहुत ईजीली मिल जाते हैं आपको इन्हें कट करके इसके अंदर जितना भी ऑयल होता है वो आपको यहाँ पे निकाल लेना है तो दो कैप्सूल मैंने यहाँ पे लिए हैं और ये ब्यूटी विटामिन के नाम से जाने जाते हैं फेस के दाग दब्बों को लाइट करते हैं स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करते हैं अब मैंने लिया है ये दो रुपये वाला शेशे है कॉफ़ी का आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल है घर पर आप जो इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं ऐसे इसमें एक छोटा चम्मच के करीब कॉफ़ी होती है तो इतना अगर आपको यहाँ पर ले लेना है और कॉफ़ी जब आप किसी भी लिक्विड के साथ ऐड करते हो ना तो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आपको कण दिखाई देंगे या कुछ भी जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी अब मैंने एक चम्मच इसमें डाला है गुलाब जल का गर्मियों के मौसम के लिए गुलाब जल सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है इसके बाद मैंने लिया है एलोवेरा जेल आपको रेडीमेड एलोवेरा जेल लेना है क्योंकि हम इन चीज़ों को हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रखेंगे स्टोर आपको सिर्फ फ्रिज में ही करना है बाहर बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि खराब हो जाती है चीज़ें तो यहाँ पर है जितना अगर आपको इसका लिक्विड पेस्ट चाहिए मतलब जितना अगर आप चाहते हो कि इसको जेल में कन्वर्ट करना है तो आप थोड़ा और एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर सकते हैं बाकी अगर आप चाहते हो कि सीरम की कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए मतलब थोड़ा लिक्विड सी सीरम लिक्विड ही होते हैं तो आप उस तरह से एक चम्मच इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और किसी भी ड्रॉपर वाली बॉटल में स्टोर कर लेंगे तो ये रही हमारी रेमेडी आप इसे जेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आपने इसे यूज़ करना है अगर आपने इसका सीरम मतलब एक जेल की तरह कन्वर्ट किया है तो आप इसे फिर स्टोर करके रख देंगे और स्टोर आपको फ्रिज में ही करना है जब भी आपको यूज़ करना है तो क्या करना है आपको बेहतर रिजल्ट के लिए आपको रात को सोने से पहले इसे इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि गुलाब जल की मदद से मैंने यहाँ पे कॉटन लिया कॉटन में गुलाब जल लेंगे और अपने चेहरे को अच्छी तरह से गुलाब जल की मदद से पहले तो क्लीन कर लेंगे आपने चाहे से मेकअप किया है फेस वॉश किया है चाहे कुछ भी किया है लेकिन आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है कि इस तरह से आपको अपने चेहरे को गुलाब जल की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है अच्छे से जब आपका चेहरा क्लीन हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है जो आपने ये जेल बनाया है जो आपने ये सीरम बनाया है जेल सीरम जो कुछ भी आपने बोलना है तो उसकी हेल्प से आपने अच्छे से अपने चेहरे को मसाज करनी है डेली आपको रात को सोने से पहले ये काम करना है बाकी अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा टैनिंग है बहुत ज्यादा आपके फेस पे डेड स्किन है रूखा सूखा बेजान है तो आपने फेस पैक अपने चेहरे पे लगाना है तो अच्छी तरह से पहले मसाज कर लिया इसके ऊपर भी आप अपना फेस पैक लगा सकते हैं बाकी अगर डेली आप फेस पैक ना लगाना चाहें तो आप जस्ट ये जेल से मसाज कीजिए अच्छी तरह से थोड़ी सी देर के लिए पाँच दस मिनट के लिए डार्क सकल के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं डार्क सर्कल के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है जितनी भी काली स्किन होगी ना आपके चेहरे पर तो उसे रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो डार्क सर्कल के ऊपर भी आप अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए छोड़ दीजिए और सुबह मॉर्निंग में आप अपना चेहरा धो सकते हो बाकी जब आप फेस पैक की तरह भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करना है अगर बहुत ज़्यादा तो डेड स्किन जमा है फेस पे बहुत कालापन है तो आप फेस पैक ज़रूर लगाइएगा तो फेस पैक किस तरह से बनाना है पहले तो वो देख लेते हैं फेस पैक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है जो भी इन्ग्रीडियंट्स हमने यहाँ पर लिए थे तो सेम उसी में ही एलोवेरा जेल आप सिर्फ़ एक ही चम्मच लेंगे दो लेंगे तो थो थोड़ा ये घना हो जाएगा तो आपने सिर्फ एक ही लेना है और एक चम्मच आपको इसमें ऐड कर लेनी है मुल्तानी मिट्टी आप मुल्तानी मिट्टी ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है एक फेस पैक की तरह इसे कन्वर्ट कर लेना है बहुत कुछ नहीं करना है आपको जस्ट इसी ये जो हमने जेल की तरह लिक्विड बनाया है इसी में ही आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करके फेस पैक तैयार कर लेना है मुल्तानी मिट्टी अगर ना हो आपके पास तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं फिर आपको अपनी फिंगर की मदद से या फिर इस तरह से ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर लेना है आप यहाँ से डार्क सर्कल को भी कवर कर सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती रहती है एडिटिंग करती हूँ ना तो उस पे जैसे डार्क सर्कल बहुत बढ़ जाते हैं तो मैं अपने डार्क सर्कल को भी कवर करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से ये मेरे डार्क सर्कल को रिमूव करने का भी काम करता है ये चेहरे पे आपके जो अनवांटेड हेयर हैं उसे रिमूव करने के लिए भी आपके काम में आता है तो इस तरह से आपने अच्छे से इसे अपने चेहरे पे लगा लेना है आप अपने नेक पे भी लगा सकते हैं अगर आपको अपने नेक पे बहुत ज्यादा कालापन महसूस हो रहा है तो आप अच्छी तरह से इसे अप्लाई कीजिए आप अपने हाथों पे पैरों पे कोहनियों पे जहाँ पर भी आपको कालापन महसूस होता है आप लगा सकते हैं एक और काम कर सकते हैं आप अगर बहुत ज्यादा डेड स्किन है चेहरे पे कालापन है तो इस तरह से आप थोड़ी सी देर के लिए इसी पैक से अच्छे से अपने चेहरे को मसाज दे सकते हैं मसाज करने से एक तो डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाएगी जितने भी चेहरे पे ब्लैक एंड वाइटेड है वो सारी चीज़ें भी रिमूव हो जाती है बहुत ही अच्छी तरह से एंड रिजल्ट की बात बताएं तो आप अपने चेहरे पे यूज़ कीजिएगा बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपके सामने होते हैं जैसे ही आप रिमूव करोगे ना पैक को तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है एकदम साफ हो जाती है क्लीन हो जाती है तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट आपके सामने होंगे जब आप खुद से यूज़ करेंगे आपकी स्किन इंस्टेंटली इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है लाइट हो जाती है और आपको खुद लगेगा कि वाकई आपकी स्किन में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं तो फेस पैक को धोने के बाद आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना है किसी भी मॉइस्चराइजर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए तो आज के लिए वीडियो को कर यहीं यही पेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार थैंक यू बाय